इस एरिया में स्टूडियो तो बहुत सारे हैं, इधर सामने है बसरा है और भी बहुत सारा स्टूडियो है, लेकिन ये एकदम टोटली हाईवे पर है। सो आरएनए स्टूडियो इनका नाम है और इनको बहुत सारी बधाई, ये स्टूडियो अच्छा चले और लॉकअप वगैरह सब देख रहा हूँ अच्छा लग रहा है। नहीं, स्टूडियोज़ यहाँ पर भी बड़ी बड़ी है, फिल्म सिटी है, फिल्म स्थान है, फिल्मालय था जो अभी छोटा हो गया है, और भी स्टूडियोज़ नायगांव वगैरह में, विरार में बहुत बड़े बड़े स्टूडियोज़ हैं भी और बन भी रहे हैं। सो अब हैदराबाद में पहले से ही एक फिल्म सिटी, ह्यूज फिल्म सिटी है, तो वैसा भी फिल्म सिटी यहाँ पर बनेगा, नोएडा में बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडियो। सबसे पहला शॉट जो मेरा था वो तो मैं बिहार में मुजफ्फरपुर में एक भोजपुरी फिल्म कर रहा था, तो उसी में मैंने काम किया था, तो मैं स्टूडियो में नहीं था, आउटडोर लोकेशन मुजफ्फरपुर बिहार में था। सर ये भी कहना चाहता हूँ, आज जो है दिन बड़ा नया दिन है, आज इनको बेल मिल गया है, क्या समझते हैं कि अच्छी बात है ये? आर्यन को बेल मिलना ही चाहिए और मिल गया, अच्छा हुआ। और इसमें मैं यही बार बार एक ही बात बोलूँगा कि बच्चे की गलती है और बच्चों पर पेरेंट्स को नज़र रखनी चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, और जिसने भी नज़र नहीं रखी वो आर्यन खान बन जाता है। कई बार ऐसी घटनाएं घटती है, हालांकि सारा बच्चा ऐसा नहीं हो जाता है, पर इसमें बार बार एक ही बात बोलूँगा, शाहरुख खान साहब की कोई गलती नहीं है और शाहरुख खान ने भी अपने बच्चे पर नज़र रखा ही होगा, पर कुछ कभी कभी ऐसी गलतियाँ बच्चे कर बैठते हैं जिनसे माँ बाप को बहुत शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं अलीशा अली खान, और ये बात आपने जो कहा है ये बहुत सच बात है, हम भोजपुरी वाले ड्रग्स पे बिलीव नहीं करते, हम लोग खाना खाने में बिलीव करते हैं, अच्छा खाना, और मैं क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मुझे मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ, मटन चिकन इतना टेस्टी टेस्टी खाना है, ड्रग्स क्यों खाने जाए हम लोग, भोजपुरी में भरपेट भोजन मिल जाए वही बहुत है। आप इसको हेडिंग बना सकते हो, सारा पैसा तो हीरो ले जाता है। आप लोग खुद को ही देख सकते हैं कितना मिलता होगा, हिंदी के जो पत्रकार और प्रेस रिपोर्टर्स को देखिए, आज मैं एक पारितोष पेंटर साहब, एक बहुत बड़े राइटर हैं, उनको मिल के आ रहा हूँ, और मैं जिसके थ्रू गया था वो भी प्रेस मीडिया से ही लोग थे, तो उनके पास में प्रेस मीडिया वाले थे आपके जैसे, वो रास्ते में मुझे बता रहे थे, चार गाड़ी है, और एक हमारे भोजपुरी के प्रेस मीडिया वाले बेचारे लोग थे साथ, जो है आपको पता है, तो यहाँ ड्रग्स कौन खाएगा भाई। यहाँ तो बिस्लेरी के लिए लड़ाई हो जाती है, जबकि हीरो और हीरोइन के कमरे में कार्टून के कार्टून पहुँच जाते हैं। खैर ये सब अलग बात है, हम आरएनए स्टूडियो को बधाई देते हैं। भोजपुरी की पवन जी के साथ एक फिल्म आ रही है, चिंटू के साथ एक फिल्म आ रही है, खेसारी जी तो उनके साथ फिल्म कब आएगी पता नहीं, क्योंकि उनका भी अपना एक सबका एक एक अपना लेके चलते हैं लोग ग्रुप, और फिल्में आ रही है, हिंदी फिल्म भी कर रहा हूँ, कई हिंदी फिल्में आ रही है मेरी, आएंगी तो वेब सीरीज कर रहा हूँ, बड़े बड़े वेब सीरीज कर रहा हूँ, जिसमें पंकज त्रिपाठी जी, कुणाल खेमू और भी बड़े सुपरस्टारों से अच्छी खबरें मिलेंगी, और बहुत अच्छा शो मैं दूंगा आप लोगों के लिए। अभी अभी मैंने एक फिल्म कंप्लीट किया है, चुलबुल की बुलबुल, जो एनआर भाई डायरेक्टर है उसका, वो नेपाल में शूट हुआ है, टोटली पहाड़ मतलब नेपाल में शूट हुआ है, और उसके बाद मैंने एक फिल्म किया है
कोका जो ललिता नोवेल पे आधारित है उस पर मैंने कैरेक्टर रोल किया है, एक मतलब बॉलीवुड मूवी है। और आने वाली फिल्म तो जैसे कि 2020 में रिलीज़ नहीं हो पाई है, जो वो आँख में चोली है, नरसंहार है, और भी काफ़ी सारी फिल्म से जो कंप्लीट है, जय माँ विध्वंसिनी है, काफ़ी फिल्म से जो कंप्लीटेड है जो रिलीज़ होने वाली है। सर आप जो फिल्म की बात कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट है और विजन के बारे में? ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा। लॉकडाउन में काम किए हैं, एक छोटा सा नेपाल जाके पिक्चर बनाया है, चिंगू की फिल्म, जोर से बोलो, और वो अच्छा पिक्चर बनी है, और उसका जल्दी ट्रेलर और गाना रिलीज। चुलबुल के बुलबुल का बोलो, एक लव स्टोरी फिल्म है, पैर के अलावा कौन और है? मैं नया आर्टिस्ट जैसे विनय बिहारी है, मनोज दुबे जी है, बाकी काफ़ी आर्टिस्ट नेपाल के अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। और क्या कर रहे नहीं, अभी मैं थोड़ा लाइक लाइन अप कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी आप लोगों को अनाउंसमेंट करूँगा। मैं कुछ स्क्रिप्ट में काम कर रहा हूँ अभी, और एक अच्छा भोजपुरी में एक अच्छा सिनेमा देने के प्रयास कर रहा हूँ बस। सर आप भोजपुरी वाले अगर भोजपुरी के लोग नाराज होते हैं, भोजपुरी के हीरो लोग, तो अपना अपना 25 लाख रुपया कम कर दीजिए, हम लोगों का भी दाल रोटी चलेगा, है ना। अगर आप नाराज होते हैं तो आप हमें नाराज होने के बजाय आप खुश हो जाइए, हम सबको खुश कीजिए, आपका बजट कम कर दीजिए और हम लोगों का भी दाल रोटी चलेगा, हम लोगों के भी घर में पैसे आएंगे। ये चीज़ अच्छा बोले ना सर ने, अब बाकी सब हीरो लोग पैसा लेके जाएंगे, हम लोग कैसे फिल्म बनाएंगे? आप ये सही पॉइंट पे है। सर हम लोग बजट मांग रहे हैं, क्या बजट है सर? किस हीरो का बजट सबसे ज़्यादा? किस हीरो का? नहीं बता। आज के डेट में सबसे ज़्यादा बजट तो के गोस्वामी का है, जिसको लोग फिल्म में लोग लेते ही नहीं, डर के मारे सारे हीरो डरते हैं कि के गोस्वामी के लोग है तो बजट बढ़ जाएगा, तो इसीलिए लोग के गोस्वामी को भोजपुरी में लोग थोड़ा कम ही ले पाते हैं, तो आज के डेट में सबसे ज़्यादा बजट मेरा ही है। परफॉर्मेंस उनका बहुत अच्छा था, लेकिन माइनस पॉइंट ये था कि वो OTT वाला प्लेटफॉर्म था, पब्लिक देख नहीं पाए उनका परफॉर्मेंस। अभी जैसे जिस लेवल का बिग बॉस, मतलब जो मेन बिग बॉस है जो अभी शुरू हुई है, उसका जो TRP है, क्योंकि सलमान खान साहब जब तक बिग बॉस में नहीं है, कोई भी इन जो भी उस शो में जाते हैं, और जब तक कलर्स चैनल में बिग बॉस नहीं आती है, जो भी शो में जाते हैं उभर के दिख नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। क्योंकि अगर बिग बॉस OTT में ही देखना है तो बिग बॉस OTT में लोग क्यों देखेंगे? क्योंकि पब्लिक वॉन्ट्स टू सी बिग बॉस इन कलर्स चैनल एंड विथ सलमान खान साहब, ये माइंड में बैठ गई है। करण जौहर उन्हें बहुत अच्छा, मैंने कुछ एपिसोड्स उसके देखे थे, बहुत अच्छा उन्होंने होस्ट किया था, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो किंग को, राजा को देखते हुए वो उनका जो आदत हो चुका है, उस चीज़ को करण जौहर जी का एक अलग प्लेटफॉर्म है, उनका अलग मतलब प्लेटफॉर्म। तो इनके हिसाब से करण जौहर किंग नहीं, क्वीन है। अच्छा, एक बात को नज़रअंदाज कभी न कीजिए कि संजय भूषण पटियाला जी ने कहा है 5 मिनट से ज़्यादा नहीं। अच्छा, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। आप जरा वो ले लीजिए, मेरा नैना है। अरे के जी का मुंह छुपा। बस वही कर, आइए आइए आइए, शुरू कीजिए। बहुत बढ़िया फैसिलिटीज है, और मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म वालों के लिए एक बहुत ही सौगात है, बहुत अच्छा तोहफा है। पुलिस स्टेशन का सेट है, अदालत का सेट है, जेल का सेट है, तो कुल मिला के ये आर्यंस और आर्यने से मिलता जुलता मामला है। लेकिन जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको सही सुविधा मिलनी चाहिए, आर्टिस्ट को मेकअप रूम अच्छा होना चाहिए, और टेक्नीशियन को अच्छा स्पेस मिलना चाहिए। ये तीनों चारों चीज़ें यहाँ पर मौजूद है, और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे
हिंदी फिल्म वाले हो चाहे रीजनल फिल्म वाले हो, कोई भी यहाँ पर आकर अपनी फिल्म को बेस्ट शूट कर सकता है और आगे रोड भी है तो आने जाने में आसानी है, पार्किंग की बहुत आसानी है, आजू बाजू के लोग बहुत कोऑपरेटिव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बेहतरीन तोहफा है। अमेरिका से उद्घाटन तो हो गया लेकिन इसको सही से शुरू करेंगे 2022 में, तो 2022 के लिए जो कि हमारे सबसे बेस्ट साल होने वाला है हर तरह से, उसका बेस्ट शुरुआत और बेस्ट तोहफा है आरएन स्टूडियो। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, भगवान करे यहाँ पर बहुत सारी फिल्में बने और जो फिल्में यहाँ बने वो तो सुपर हिट हो और उनको बहुत फ़ायदा हो, बहुत लाभ हो। भाई बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि जब वो आ रहे हैं अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जाएगी जिसकी वजह से बहुत सारे लेखकों को स्टोरी मिल जाएगी, बहुत सारे प्रोड्यूसर को थॉट मिल जाएगा और सोचता है कि उन्हीं में से कोई स्टोरी बन के आर्यन लॉन्च भी हो जाए, क्योंकि सुपरस्टार तो बन चुका है वो, बस उसे अभी लॉन्च करना बाकी है। ये पहला ऐसा सुपरस्टार होगा कि जो सुपरस्टार होने से पहले ही सुपरस्टार लॉन्च होने से पहले ही सुपरस्टार हो गया, और बाकी कानूनी प्रोसेस जो है वो तो चलता रहेगा, कानून का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन आर्यन को अब पूरी दुनिया जान गई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सही मौका है कि उसे सब कुछ, अगर कोई बुरी संगत है वो छोड़ के सही रंगत में आना चाहिए, बड़े पर्दे पे आना चाहिए, और ए कैटेगरी में तो वो ऑलरेडी है, ए फॉर आर्यन, ए फॉर अरबाज, ए फॉर अनन्या पांडे, ए फॉर आर्थर रोड, तो ए क्लास की फिल्म बनने से और ए क्लास हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। वो कानूनी प्रोसेस होता है, जमानत मिल गई मतलब इसका मतलब ये हो गया कि वैसे ही वो रिलीज हो गया। तो आर्यन बहुत मुबारक हो, अब 2-3 दिन के बाद अपना मुंह बाहर रखो, बहुत सारी बधाइयां तुम्हें मिलने वाली है, और अभी तो आर्यन खान की न्यूज़ इतनी ज़्यादा मार्केट में आई है कि जितने दुबले पतले लौंडे मुँह पे मास्क पहन के घूमते हैं तो मुझे आर्यन खान ही लगते हैं, तो हाँ इतना सब इतना उसका इम्पैक्ट है मीडिया वालों की तरफ से, तो मीडिया वालों का भी धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया वालों ने बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए। भोजपुरी में क्या है, लोग काम का नशा करते हैं, नशे का काम नहीं करते। क्या बात है, यहाँ पर जो भोजपुरी में यूपी और बिहार के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, ये अपने कंधे पे गमछा रख के निकल पड़ते हैं दूर दराज में और पसीना बहा के रोटी कमाते हैं, कभी चमचागिरी नहीं करते, हमेशा गमछागिरी करते हैं। हाँ, दूध घी, लिट्टी चौका, जहाँ जहाँ चूल्हा चौका वहाँ लिट्टी चौका, टेस्ट बदल बदल, और फिर अब और ऐसे खूबसूरत हिरन के होने के बाद, ऐसी नशीली आंखें होने के बाद कोई और पर नशा क्यों करे। कनवा में सोवे वाली चूड़ा में लगा के जली, ये कह रहे हैं कि खाना नहीं मिलता है, मत बोलो, भोजपुरी का मतलब ही होता है भाजीपुरी, खाना मिलता है, खाने खाने के शौकीन होते हैं, भाजीपुरी जहाँ जहाँ भोजपुरी वहाँ मिलेगी स्वादिष्ट भाजीपुरी। मेरे प्रोजेक्ट में अभी हाल ही में फिल्म आई लॉकडाउन टू अनलॉक, देखी कि नहीं आपने, शेमारो मी पे स्ट्रीमिंग हो रही है, उसके गाने बिफोर यू पर आ चुके हैं, अधिक जानकारी के लिए सुनील पाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में है, और आप सबका आप सबकी दुआ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। 2022 में 22 को का साल है, मैं इस साल के लिए बहुत बायस हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि 2022 जो है दो 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 मतलब हर चीज़ का डबल मजा आने वाला, दुगना मजा आने वाला। ये हमारे बहुत ही फेवरेट एक्टर हैं, हमेशा वाइट में रहते हैं इसलिए इनवाइट होते रहते हैं, वाइट एंड वाइट काम करते हैं, वाइट कॉलर आदमी है। मेरा सम्मान है के साहब को, मैं अपनी तरफ से अगर कुछ दे रहा हूँ ये इनका नहीं, मेरा सम्मान है, क्योंकि ये हमारे बहुत ही लाडले और बहुत ही प्यारे कलाकार है और आसमान को छूने वाली ताकत इनके अंदर है। लव यू सर, गॉड ब्लेस यू के सर, ये मेरी तरफ से, हमारी तरफ से आपको।
हालांकि आपको वही बात है कि सम्मान देना होता, सम्मान को भी सम्मान देना। आइए पहले तो स्टूडियो, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि स्टूडियो है जो हमारे लिए है, है ना। और अभी जो समय से हम गुजर गए, जो बुरे समय से, स्टूडियो का नाम सुनकर हमें लगा कि हमारे अंदर एक जीवन आ गया, हम फिर से एक्टिव होने लगे। इवन आपके पास भी हम चले आए मिलने के लिए। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, उम्मीदें हैं कि भविष्य में ये स्टूडियो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से बने और स्टूडियो और भी बड़ा हो जाए, नाम हो, शोहरत हो, बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े फिल्में यहाँ से शुरुआत हो, बने, ये मेरी शुभकामना है। बाकी थिएटर स्कूल गए हैं, फिल्में लग रही हैं, क्या चल रहा है आपके करियर में, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इसका बताइए, प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, काम करने वाली फिल्में काम कर रहे हैं, फिलहाल आपका शूटिंग चल रहा है। कोरोना की वजह से थोड़ा परमिशन नहीं मिल रहा था हमारे परिवार से, लेकिन फिर भी आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट है, खाली बैठ नहीं सकता है, तो चलता रहता है कोई सीरियल, कोई फिल्म। भैया नाश्ता तीन बार फोन कर चुका है, तीन बार नाश्ता हमको फोन कर चुका है। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।